जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर की वैकेंसी, जिसका एडमिट कार्ड आपके स्किल टेस्ट के आने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी कैंडिडेट उसके एडमिट कार्ड को फेक बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और जो दिखाए गए एडमिट कार्ड बिल्कुल फेक नहीं है। सभी के एडमिट कार्ड जो भी पास हैं उन कैंडिडेट के पास स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के किए गए हैं उनके पास एडमिट कार्ड आ रहे हैं। आप गेट पे जाके पहुंचोगे और पूछोगे कि सर मेरे का क्या है, यहाँ से एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, तो वहाँ से उनको कुछ भी नहीं पता रहता। वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट रहता है अंदर के, जो ऑफिस में काम करने वाले उनका जो भी गेट पे काम करने वाले से कोई मतलब नहीं रहता। गेट पे काम करने वाले ओनली ड्यूटी देते हैं और अपना जाके खाना पीना खा के सो जाते हैं। उनको किसी प्रकार की भर्ती तक का नॉलेज उनको नहीं रहता। तो आप जाके एक सेंटर पे पूछेंगे कि ये एडमिट कार्ड जारी हुए कि नहीं, तो उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। और उनके भरोसे आप यदि रहेंगे कि उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। आपका एडमिट कार्ड नेक्स्ट और जो जारी किया गया इसका भी दिखा देता हूँ। बाकी के जो भी कैंडिडेट हैं जिनके भी एडमिट कार्ड आए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपकी जो भर्ती है उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के लिए, उसमें आपके जो भी एडमिट कार्ड हैं उनके बाई पोस्ट आपके सेंड किए गए हैं। तो अपने पोस्ट ऑफिस से पता करते हैं। लिस्ट बिल्कुल भी आपकी नहीं जारी होने वाली है। लिस्ट के भरोसे आप न रहें, लिस्ट आपकी नहीं आएगी। यदि एडमिट कार्ड आपके पास आ गया तो आप पास हैं, नहीं तो फेल हैं। यदि आपको बाकी की यदि जानकारी चाहते हैं तो RTI लगाकर आप जानकारी पूछ सकते हैं। और कब तक एडमिट कार्ड आएंगे, तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड है वो सभी पहुंच जाएंगे। यदि किसी का एडमिट कार्ड नहीं भी पहुंच रहा है तो कॉल भी किए जा रहे हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड जो जारी किए गए हैं वो शॉर्ट टाइम में जारी किए गए हैं। और आपकी स्किल टेस्ट वो 10 तारीख को स्टार्ट हैं। 10 तारीख को आपका स्किल टेस्ट जारी किए गए हैं। 10 तारीख का स्किल टेस्ट आपका कैंडिडेट का रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हैं 10 तारीख को, टाइम बहुत कम है, 3 तारीख या 4 तारीख आपकी हो चुकी है, तो आपके स्किल टेस्ट के लिए कॉल भी किए जाएंगे। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता है तो अपने मोबाइल को भी अपने संपर्क में रखें, जिससे आपको यदि किसी का कॉल आता है तो आपको पता चल सके। अभी मैं आपको तीसरा जो एडमिट कार्ड आया है, 2 एडमिट कार्ड मैं दिखा चुका हूँ, बार्बर का और मैसेंजर का एडमिट कार्ड आपको मैं दिखा चुका हूँ। तीसरा देता हूँ स्क्रीन पे, आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं। ये बिल्कुल आपका फर्जी एडमिट कार्ड नहीं है। यहाँ पे आपका आर्मी का लोगो लगाया गया है। यहाँ पे जो लगा है ये लोगो आपका जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर का लोगो है। और 10 जुलाई का आपका एडमिट कार्ड जारी हुए है। एडमिट कार्ड का इनलोप भी आपको दिखाऊंगा कि उस पर कैसे स्टाम्प लगकर कैसे आपके पास पहुँच रहा है, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास ये एडमिट कार्ड आ रहा है। तो आपके पास बहुत ही जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। और आप अपने पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन से पता करते रहें। जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर पे ही आपको बुलाया गया है। इनका टेलर ट्रेड का एडमिट कार्ड रहने वाला है। सेम डेट दी गई है, 10 जुलाई ही आपको बुलाया गया है और सेम टाइमिंग के आपको बुलाया गया है। एडमिट कार्ड और जो भी आपका ID प्रूफ आपको लेके जाना है, और गेट पैन जो भी आपका टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँचना है, क्योंकि अंदर पैदल चलकर भी जाना आपको होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि इस पर सिग्नेचर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी किए हुए हैं, डेट भी है, सब कुछ है। आप टेंशन ना करें, बिल्कुल फर्जी नहीं है, सही एडमिट कार्ड आपके जारी किए जा रहे हैं। तो आप जो भी अपने दिए गए टाइम पर आप पहुँच जाएँ वहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट है टेलर में है, तो टेलर में आपका बिल्कुल टेलर की जो भी कटिंग है, सिलाई है, जो भी मशीन से संबंधित पूरा ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके कंप्लीट आप जाएं। अभी आपका इनलोप भी दिखा देता हूं। ये लिफाफा आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। यहाँ पे आपका इसमें पूरा कंप्लीट हेड कलर की स्टाम्प लगी हुई है। यहाँ पे आपके जैक राइफल की आपकी स्टाम्प लगी हुई है लिफाफे के ऊपर। स्पीड पोस्ट का आपका स्पीड पोस्ट किया हुआ है, 22 रुपये का डाक टिकट के लगाकर उन्होंने स्पीड पोस्ट किया है। तो आपके पास जल्दी आपके यहाँ पर एड्रेस है अपना, और तो आपके पास इस प्रकार से एडमिट कार्ड पहुंचने वाले हैं। तो अपने पोस्ट ऑफिस से पता करते रहें, कोई भी लिस्ट आपकी जारी नहीं होगी। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके पास इस प्रकार से आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी एडमिट कार्ड आपके आए हैं वो सही हैं, आपके जो भी फर्जी एडमिट कार्ड नहीं है। और जो भी कैंडिडेट जिसके नहीं आए हैं वो पास नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि उनका एडमिट कार्ड आपका यदि नहीं आया है, तो आपका इस प्रकार से नहीं आया कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, और आपको नंबर्स वगैरह आपने खुद के देखने हैं, तो आप अपने RTI लगाकर ये जानकारी ले सकते हैं। RTI के माध्यम से सेंटर पे आप एक लेटर डालिए और उसके माध्यम से अपने रोबी मार्क्स वगैरह है और क्यों शॉर्ट लिस्टेड की क्या कट ऑफ रही है उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट
की कोई बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जिसका भी एडमिट कार्ड आता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अभी तक नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट अपडेट नोटिफिकेशन रिजल्ट के साथ साथ आपका डेली का जीके आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।